क्वेश्चन में फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अभी सर लीला है, ऑन वॉकिंग अस 5 5 किलोमीटर पर आवर बॉय रीचेज स्कूल 10 मिनट्स लेट, बट ही वॉक एट अ 6 किलोमीटर पर आवर, वो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है, देन हाउ फॉर इज इट स्कूल। तो देखो, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है वो 10 मिनट अर्ली हो जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, इक्वल्स टू डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन स्पीड एज फॉर माइनस एस टू। तो टाइम का डिफरेंस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम का डिफरेंस। अब यहाँ पे एक बॉय जो 5 किलोमीटर, तो इसकी पहले की स्पीड कितनी हुई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कितने लेट पहुँच रहा है, पहला टाइम हो गया लेट जा रहा है 10 मिनट लेट, तो पहले मिनट लेट निगेटिव कर देंगे इसको। फिर ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब टाइम टू है प्लस 10 मिनट, मतलब जल्दी पहुंच जा रहा है, प्लस मतलब याद करने के लिए ये 10 मिनट लेट हो रहा है 10 मिनट जल्दी जा रहा है। अब हमारा डिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन टाइम, टाइम का डिफरेंस कितना आएगा 20 मिनट, क्योंकि 10 मिनट जल्दी 10 मिनट लेट, तो 10 माइनस माइनस 10 करोगे तो +20 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, स्पीड कितना है 5 × 6, और डिफरेंस इन स्पीड 5 - 6 1, हमारा कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी, ये कितना है 20 मिनट, ये मिनट में हमें आवर्स में करना है, तो बिकॉज ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये हमारा 6 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 10, सो दैट विल बी ऑन 10। तो हाउ फार इज स्कूल, 10 किलोमीटर दूर है स्कूल, सॉरी भी 10 किलोमीटर। ए मैन ड्राइविंग हिज बाइक टू 24 किलोमीटर पर आवर, तो ये रीच करता है 5 मिनट लेट, लेकिन अगर वो 25 किलोमीटर अगर जल्दी है तो वो 4 मिनट लेट होता है, मतलब दोनों टाइम लेट हो रहा है, एक बार 5 मिनट लेट हो रहा है और दूसरे टाइम 4 मिनट हो रहा है, दोनों को माइनस करो, ये 5 मिनट लेट और ये -4 मिनट लेट, लेट हो रहा है दोनों की जगह। अब स्पीड कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर, और अगर 24 किलोमीटर 34% ज़्यादा अगर स्पीड करता तो 24% कितना हुआ, मतलब उसका 1/4 ज़्यादा, 24 का 1/4 कितना हो गया हमारा 6, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, तो +6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पहले की स्पीड हमारी 24 है, दूसरी स्पीड 30 आ गई, तो स्पीड S1 S2 ये आ गया, और टाइम 1 टाइम 2 हमारा आ गया, टाइम 1 ये हमारा 5, टाइम 2 हमारा -4, मतलब लेट हो रहा है दोनों केस में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो मतलब दोनों प्लस ही हो जाएंगे ना, दोनों अभी लेट हो रहा है, माइनस डिफरेंस इन टाइम -+4 माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमें हाउ फार इज ऑफ डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला हमारा होता है, हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूला को याद करने के हम याद कर सकते हैं कि पहले तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस इन टाइम डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन स्पीड S1 - S2 अपॉन इस डिफरेंस स्पीड, इस तरीके से निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट स्पीड हमारा 24 × 30 हो गया हमारा डिफरेंस, और टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, तो ये 4 और 5, तो दोनों नेगेटिव है, तो क्या करेंगे -5, माइनस करेंगे तो +4, तो मतलब -1, तो इस तरीके से 1 1 आ जाएगा, और 1 मिनट है आवर्स में करना 1/16, और स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, 30 - 24 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 बार में कट गया, तो ये 12 हो गया, तो हमारा 2 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, आंसर विल बी 2 किलोमीटर।